चित्रलाल मांझी जी एक प्रमुख मजबूत घटक दल है, नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है तभी वो महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ शामिल हुए। कई मौकों पर कई मंचों से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कसम खाते हैं कि राजनीतिक रूप से हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ रहे। अभी प्राइमा फेशे यही जानकारी है कि 23 तारीख को बैठक पटना में होगी, वेन्यू क्या होगा, कौन लोग शामिल होंगे ये बता ही दिया गया है और मांझी जी मजबूत साथी हैं महागठबंधन के, निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार में पुल गिर जाने के बाद जहां बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल दाग रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं महागठबंधन के घटक दल के हिस्सा जीतनराम मांझी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दूसरे तरफ बिहार में एक अहम बैठक विपक्षी एकता को लेकर होनी है, मगर जीतनराम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब तक कोई न्योता नहीं दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक झा जी, बीजेपी तो सीबीआई जांच की मांग कर ही रही थी पुल गिरने को लेकर, अब जीतनराम मांझी भी कर रहे हैं, तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, ये सब कुछ जो हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट है, डिज़ाइन ऑडिट हुआ, टेक्निकल ऑडिट लगातार चल रहा है, आने वाले समय में सभी तथ्य सभी रिपोर्ट आ जाएंगी और प्राइमा फेशिया जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है। कहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं दिख रहा है प्राइमा फेशिया, चूंकि जिस संवेदक को यह काम दिया गया है और जिस तरह से पुल ध्वस्त हुआ है पूरी जवाबदेही उनकी बनती है, इसलिए बिहार का पैसा आज भी सुरक्षित है। ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात समझ से परे है कि सीबीआई जांच की मांग क्यों हो रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जाँच करने के लिए सीबीआई जाँच की मांग करने का कहीं से भी औचित्य नहीं है। हमने इन बातों को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होती है वसीम भाई। लोकतंत्र में कोई भी अपनी मांग को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं। भाजपा के लोग विपक्ष में हैं, अनर्गल प्रलाप करते ही हैं। मांझी जी वरिष्ठ नेता है, वो भी अपनी बातों को कह रहे हैं, इस पर हमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। बीजेपी कह रही है कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला है, भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं नीपा पोती का काम बिहार सरकार करेगी, इसलिए सीबीआई तथ्य सामने ला देना, तथ्य सामने ला दें, फैक्ट सामने ला दें। लंबे समय तक ये डिपार्टमेंट उनके जिम्मे रहा है, उन्हें अगर इस बात की जानकारी है, उनके मंत्री की, उनके लोगों की अगर इसमें संलिप्तता है तो बताएं ना, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सीधे भ्रामक बातें कर देना। और भाजपा के लोगों के मन के अंदर नैतिकता बची भी है क्या? यहाँ चिल्ला चिल्ला कर जो अगवानी पुल हादसा हुआ है उसके विषय में बोल रहे हैं, बोलिए, विपक्ष हैं आप, आपकी बातों को सुनेंगे हम, लेकिन आपकी नैतिकता तब कहाँ चली गई थी जब मोरबी में इतना बड़ा पुल हादसा हुआ, आपने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को उसके मेंटेनेंस का काम दे दिया। किस स्तर का भ्रष्टाचार आपने किया होगा, किस स्तर का मैनिपुलेशन आपने किया होगा टेंडर के प्रोसेस में, इतने लोगों की जान चली गई, आपराधिक मामला बनता है, किसकी जवाबदेही तय की? किसका इस्तीफा मांग लिया सम्राट चौधरी जी ने? मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा कि प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा? तो इनके अंदर नैतिकता है नहीं, सिर्फ अनर्गल प्रलाप करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जीतनराम मांझी वरिष्ठ नेता हैं और दूसरे तरफ जीतनराम मांझी ये भी कहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, और दूसरे तरफ देखा जाए तो बीजेपी जो बोलती है उसी राह को जीतनराम मांझी भी। देखिए, हम ये समझते हैं कि जीतनराम मांझी जी एक प्रमुख मजबूत घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है तभी वो महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ शामिल हुए। कई मौकों पर कई मंचों से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कसम खाते हैं कि राजनीतिक रूप से हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। बातें ये कहते हैं, इन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, राजद के नेता जीतनराम मांझी की बातों को सुनकर ये कहते नजर आते हैं कि उनकी बातों को सुनकर हंसी आती है, वरिष्ठ नेता है, क्या जेडीयू को भी जीतनराम मांझी की बातों को सुनकर हंसी आती है? आरजेडी की बात है, आरजेडी के लोगों ने अपनी बात कही है, मैंने आज आपके माध्यम से अपनी बात कही। अच्छा, विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक हो रही है, जीतनराम मांझी ने कहा है कि अब तक उन्हें बोला नहीं गया है कि उस बैठक में, मुझे इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। अभी प्राइमा फेशे यही जानकारी है कि 23 तारीख को बैठक पटना में होगी, वेन्यू क्या होगा, कौन लोग शामिल होंगे ये बता ही दिया गया है और मांझी जी मजबूत साथी हैं महागठबंधन के, निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे। आगे क्या सूचनार्थ प्रेषित किया गया है, नहीं किया गया है, इस बाबत मेरे पास कोई जानकारी नहीं। जीतनराम मांझी सीटों को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि महागठबंधन के साथ लंबी दूरी तय कर पाएंगे? हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि अधिकाधिक सीटें उनके पार्टी को लड़ने के लिए मिले, हर नेता कार्यकर्ता की इच्छा होती है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर ही किसी फैसले किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अच्छा, जीतनराम मांझी तो अपने बातों को कर रहे हैं, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैंने साफ तौर पर बता दिया ना कि यह मीडिया के माध्यम से तो नहीं बताया जा सकता है, आने वाले समय में वरिष्ठतम नेता बैठकर फैसला लेंगे और आपके माध्यम से बिहार और देश की जनता इन बातों को जान पाएगी। जीतनराम मांझी तो मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप लोग उनका पक्ष है ना, आप लोग भी तो ये उनका पक्ष है ना, वो चाहते हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, ये उनका पक्ष है। हम लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है कि बेहद गंभीर मसला है और मीडिया के माध्यम से चीज़ें तय नहीं होती हैं, बैठकों के माध्यम से और वरिष्ठतम नेताओं
की जो बैठक होगी, स्ट्रेटजी तय होगी, उसी के माध्यम से सब कुछ तय होगा। तो आपने सुना अभिषेक झा को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि सीबीआई जांच का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, बिहार सरकार तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही परिणाम भी सामने निकल कर सामने आएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।